we had finished the complete theory portion of center of mass, momentum and its conservation principle, and the collision, the various types of collision, elastic collision, non-elastic collision, aur unke alag alag cases humne sare discussion kar liye hain. Now, from today onward, we'll start discussing the sheets. Aaj se hum un sheets ka discussion chalu karenge jo maine aapko de rakhi hai. I had already circulated 5 sheets, DPS 1, 2, 3, 4, 5 tak maine de rakhi hai. Today we'll try to discuss the first 2 sheets, DPS 1 aur DPS 2. Ya dono sheet ka aaj hum discussion karte hain. Sabse pehle, jo jo aapke doubts hain, waha likhwa dijiye. We'll start with DPS 1 and then we'll continue with DPS 2. फटाफट जिन जिन के डाउट्स है वहां बोलिए. डीपीएस 1 में प्रॉब्लम नंबर 16. ओके, वी विल डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 16. बिसाइड दैट प्रॉब्लम नंबर 4th, वी विल डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 4th. बिसाइड दैट 8th प्रॉब्लम नंबर 8th, वी विल डिस्कस 8th प्रॉब्लम 22 एंड 27. Beside that, in problems ke alawa 17. Okay, we'll discuss 17 problem. 22 is already mentioned 26. There. 26. Okay, we'll discuss 26 problem. Okay, now let's discuss this answer. 27 already mentioned है. हम यह 7 सवाल पहले discuss कर लेते हैं, फिर हम हाँ 11th. Okay, we'll discuss problem number 11th as well. अब देखिए third, I'm expecting कि इन सभी problems पर आपने thorough attempt लगाया हुआ है. आप सभी को problems अच्छी तरह से पता है, क्या दिया गया है डेटा में, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, ये सभी को पता है. मैं तेजी से प्रॉब्लम को समझाऊंगा और फिर उसको सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट, क्या लॉजिक लगाया गया है, कैसे उसको करना है, क्या उसका सही आंसर है, यह समझाऊंगा. बड़े ध्यान से समझिएगा, जब मैं समझा रहा हूं तो आपस में बातचीत बिल्कुल ना करें. बड़े ध्यान से प्रॉब्लम को इसी समय पढ़ते भी जाएं और उसका सॉल्यूशन देखते भी जाएं. डोंट वेस्ट एनी टाइम ओवर गॉसिपिंग. आपस में बातचीत में कोई समय व्यर्थ न गवाएं. यदि आपने प्रॉब्लम शीट्स पर अटेम्प्ट कर रखी है, बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम आ गया है, बहुत अच्छी बात है. आपको उसका नया अप्रोच, जो मेरा अप्रोच है, वह भी देखना चाहिए. और यदि नहीं आया है तो ध्यान से आपको देखना ही होगा. और यदि आपने इन शीट को अभी तक भी अटेम्प्ट नहीं करा है, किसी भी वजह से यदि आपको समय नहीं मिल पाया और अभी भी आप इस शीट को अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, देन इज अ गुड टाइम. आप इसी समय तेजी से प्रॉब्लम्स को इसी ऑर्डर में पढ़ते जाएं और अभी के अभी अटेम्प्ट भी लगाते जाएं. समय व्यर्थ ना करें, बातचीत आपस में बिल्कुल भी ना करें. प्रॉब्लम नंबर 16, 2500 केजी ट्रक क्रैशेस इनटू अ वॉल एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम टू स्टॉप इन 0.5 सेकेंड. व्हाट इज एवरेज फोर्स ऑन द ट्रक. देखिए, दिस इज दैट, this is a wall and this is a truck. The mass of truck is 2500 kg and traveling with a speed of 40 km per hour and it crashes with the wall and it comes to a stop in 0.5 seconds. What is the average force on the truck? This is a truck. The mass of truck is given to you, 2500 kg. The velocity of truck is given to you, 40 km per hour. This truck crashes with a wall. Ye ek wall se takrata hai. Aur wall se takrate hue 0.5 second mein yaha rest par aa jata hai. Ab unne pucha hai, is phenomena ke dauran what is the average force on the truck? इस wall ने इस truck पर average force क्या लगाया है? अब सबसे पहले जब problem दिया हुआ होता है तो हम data को बड़े ध्यान से देखते हैं
और उनकी यूनिट्स को बड़े ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, लेट्स डिसाइड इन विच यूनिट वी वुड बी वर्किंग द प्रॉब्लम। इस तरह से मोमेंटम के प्रॉब्लम में बाय डिफॉल्ट बेस्ट सिस्टम होता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में काम करने के लिए मास 2500 केजी में दिया हुआ है, वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर जो दे रखी है। इस वेलोसिटी को, ये तो कोलोकल सेंस में, जनरली इस किसी भी स्पीडोमीटर में वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में ही दी हुई होती है, इसीलिए किलोमीटर पर आवर इधर लिखी हुई है। मगर प्रॉब्लम करते समय किलोमीटर पर आवर कभी भी इस्तेमाल नहीं करी जाती है। एसआई सिस्टम में द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, एंड वी नो दैट 1 किलोमीटर पर आवर विच इज 1000 मीटर पर 3600 सेकेंड और विच इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर, रटा हुआ होना चाहिए। हम इसी समय इस वेलोसिटी को 40 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर की जगह हमने लिखा 1000 मीटर और 1 आवर की जगह हमने लिखा 3600 सेकेंड्स। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 5/18, यह कन्वर्जन फैक्टर हमेशा ध्यान रखना है। अब वेलोसिटी हमने प्रॉपर यूनिट में लिख दी, टाइम प्रॉपर यूनिट में दे रखा है, मास प्रॉपर यूनिट में दे रखा है। सबसे पहले दिए गए डेटा को हमेशा प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब हम लॉजिक लगाते हैं, हमें एवरेज फोर्स निकालना है। एवरेज फोर्स के लिए चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले आप इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक लिखते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक दिस 2500 इनटू वेलोसिटी इज 40 × 5/18 kg/s। इनिशियल मोमेंटम यह हो गया। अब हम लिखते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक। फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, बट फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, सो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक? ट्रक का चेंज इन मोमेंटम क्या है? दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक इज, फाइनल मोमेंटम इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम इज 2500 × 40 × 5/18 kg/s। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक ड्यूरिंग दिस इवेंट। जब यह ट्रक वॉल से क्रैश हुआ, कोलाइड करा, तो इनिशियली ट्रक का यह मोमेंटम था पॉजिटिव डायरेक्शन में, फाइनली जीरो, चेंज इन मोमेंटम यह हुआ। अब हम जानते हैं एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्ट ऑन अ ट्रक इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। दिस इज चेंज इन मोमेंटम and time taken is 0.5 second and this becomes kg meter per second square. kg meter per second square is newtons, negative sign ke saath 2500 × 40 × 5/0.5 × 18 newton. negative sign indicates that truck ki jo direction hai, truck par uske opposite direction mein force lag raha hai, वॉल के द्वारा, द फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। व्हाट एवर इज द आंसर मेंशन, आई थिंक आंसर में थोड़ी गड़बड़ी है, बट दिस इज परफेक्ट आंसर। दिस इज द मेथड वी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। वंस अगेन, प्रॉब्लम यदि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में आए तो यह सारी चीज दिमाग ही दिमाग में चलनी चाहिए और तेजी से कैलकुलेशन करना चाहिए। मगर यदि इस तरह का सवाल आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आ जाए, देन दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन। यदि आप हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हो, क्वार्टरली एग्जाम दे रहे हो, फाइनल एग्जाम दे रहे हो और वहां पर यह सवाल आया हुआ है, देन दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट। ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द सॉल्यूशन,
you should always mention the appropriate unit. बिना यूनिट के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हुई गलत कहलाती है. ऐसी कंडीशन में यदि टीचर आपके मार्क्स काट लेता है तो वो गलत नहीं है, गलत आप हो. यदि सब्जेक्टिव पेपर है, यदि हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हो, क्वार्टरली एग्जाम दे रहे हो, तो प्रेजेंटेशन मैटर्स. आपको हर चीज सही तरीके से लिखना ही होगी. एंड दिस इज द राइट मेथड. इनिशियल मोमेंटम अलोंग विथ यूनिट, फाइनल मोमेंटम, देयर इज अ फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक. इधर मैं ट्रक लिखने पर एम्फोसिस दूंगा क्योंकि मोमेंटम चेंज वहां पर दो चीज का हो रहा है. वॉल का भी मोमेंटम चेंज हो रहा है जिससे ट्रक जाके टकरा रहा है, ट्रक का भी मोमेंटम चेंज हो रहा है. तो आप किसके मोमेंटम चेंज की बात कर रहे हो वह चीज मेंशन करना जरूरी है. चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक हमने यह लिखा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के साथ में यूनिट जरूर लिखी. वंस अगेन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आ रहा है, कोई समस्या नहीं, आप दिमाग दिमाग में करो ये सारी चीज. मगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी है, आपको ढेर सारी तरह तरह के एग्जाम की तैयारी करनी है. इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. आप इस तरीके से यूनिट के साथ अपना जवाब लिखेंगे. देन द बेसिक डेफिनेशन, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रक इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक अपॉन टाइम टेकन टू चेंज दैट मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक यूनिट के साथ में, टाइम टेकन यूनिट के साथ, फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और माइनस है. अब इधर आप एक स्टेटमेंट और आगे लिख सकते हो, नेगेटिव साइन इंप्लाई दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रक बाय द वॉल वुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स वेलोसिटी. इस तरह से जो आपने बात कंक्लूड करी है उसको आप वहां पर स्टेटमेंट के फॉर्म में जरूर दिखाएं. दिस इज 16th प्रॉब्लम. लेट्स प्रोसीड टू 4th प्रॉब्लम. Is there any doubt over the problem? The thrust of rocket is the force developed by expulsion of its exhaust gases. हम जानते हैं यह बात कि रॉकेट जो ऊपर उठता है, रॉकेट पर जो थ्रस्ट लगता है, जो ऊपर जाने के लिए जो उस पर फोर्स लगता है, वो इस वजह से लगता है कि वह गैसेस को नीचे की तरफ तेज वेलोसिटी से एग्जॉस्ट करता है. फाइंड द थ्रस्ट ऑफ अ रॉकेट दैट यूजेस 30 केजी पर सेकेंड ऑफ फ्यूल. अब 30 केजी पर सेकेंड ऑफ फ्यूल इस वैल्यू को देख रहे हैं, यूनिट को देख रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि ये क्या चीज होगी. यह चीज होगी डेल्टा एम बाय डेल्टा टी. इट्स 30 केजी पर सेकेंड. क्योंकि रॉकेट गैसेस को एग्जॉस्ट करता है, एक्सपेल करता है, तो उसका मास चेंज होएगा और उसका मास जो चेंज हो रहा है वह 30 केजी पर सेकेंड. इस रेट से मास उसका चेंज हो रहा है. एंड हूज एग्जॉस्ट गैस लीव द रॉकेट एट 3 किलोमीटर पर सेकेंड. एग्जॉस्ट गैस की रिलेटिव वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर सेकेंड. ये जो गैसेस जो रॉकेट को छोड़ रही है यह 3 किलोमीटर पर सेकेंड थी. If the initial mass of rocket is 5000 kg, of which mass of fuel is 3500 kg, find initial and final acceleration, find the thrust. Ab dekhiye, now it had become रियली एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. एक रॉकेट जिसको ऊपर प्रोपेल करा जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल दैट इट्स अ वेरिएबल मास सिस्टम, मास वेरिएबल सिस्टम. इसके पहले हमेशा हमने कॉन्स्टेंट मास सिस्टम पढ़ा है. न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन में कॉन्स्टेंट मास सिस्टम होता था, रॉकेट में मास वेरिएबल सिस्टम है. और मास वेरिएबल सिस्टम में हम जो कंसेप्ट लगाते हैं
एक्सटर्नल फोर्स इज डीपी बाय डीटी और पी की जगह हम लिखते हैं एमवी और फिर हम लिखते हैं एम डीवी बाय डीटी प्लस वी डीएम बाय डीटी। हमने यह इक्वेशन क्लास में लिखी हुई है, हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम डिक्रीसिंग मास सिस्टम के लिए भी इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिए थे। इस जगह पर डी बाय डीटी के जो है हमने डेल्टा एम बाय डेल्टा टी लिखा है, तो इस इक्वेशन को अब हम फॉर डिक्रीसिंग मास सिस्टम हमने यह इक्वेशन इस तरह से लिखी थी एम डीवी बाय डीटी प्लस यू रिलेटिव डीएम बाय डीटी। अब डिक्रीसिंग मास सिस्टम के लिए हमने इधर यू रिलेटिव लिखा था, डिक्रीसिंग मास सिस्टम में डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, इधर एक माइनस साइन मुझे जरूर लगाना चाहिए। माइनस साइन इसलिए क्योंकि मास कम हो रहा है, मास एग्जॉस्ट हो रहा है, वो उन्होंने लैंग्वेज में मेंशन कर दिया है, उसको हमें मैथमेटिकली नेगेटिव साइन के द्वारा डिनोट करना होगा। द मास ऑफ रॉकेट इज डिक्रीसिंग एट द रेट ऑफ 30 केजी पर सेकेंड। अब दिस इज द इक्वेशन जो हमें इधर अप्लाई करना है, डिक्रीसिंग मास सिस्टम के लिए यह इक्वेशन हमने लिख रखी है। इसको हमने एक दो प्रॉब्लम के द्वारा अप्लाई करना भी सिखाई थी, अब इधर इस प्रॉब्लम में इसी इक्वेशन को अप्लाई करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन में मास m हमें पता है, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, क्योंकि उन्होंने इनिशियल थ्रस्ट पूछा, फाइंड द थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट दैट यूसेस, इनिशियल थ्रस्ट उसको कितना मिलेगा यह मिल जाएगा। मास हमें पता है 5000 केजी, डीवी बाय डीटी हमें निकालना है, डीवी बाय डीटी हमें निकालना है। बी पार्ट को हमने यही पूछ रखा है कि व्हाट इज इनिशियल एक्सीलरेशन एंड व्हाट इज फाइनल एक्सीलरेशन, यू रिलेटिव उन्होंने दे रखा है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, क्यों ना इसको कन्वर्ट कर लिया जाए 3 किलोमीटर पर सेकेंड को 3000 मीटर पर सेकेंड लिख दिया जाए। डीएम बाय डीटी दे रखा है। अब एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा भाई, रॉकेट को अर्थ से छोड़ा गया है, अर्थ से उसको ऊपर उठाया जा रहा है, उस रॉकेट पर किसी भी समय पर अर्थ के द्वारा एक एक्सटर्नल फोर्स एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जरूर लगेगा। मैं इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहा हूं, माइनस एमजी इज एक्सटर्नल फोर्स, माइनस इसलिए क्योंकि अपवर्ड को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, उस रॉकेट पर एक्सटर्नल फोर्स अर्थ की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू एमजी लगेगा। एम डीवी बाय डीटी, इसको मैं थ्रस्ट बोलता हूं, एम डीवी बाय डीटी इज थ्रस्ट, इसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाएगा, इनिशियल थ्रस्ट प्लस यू रिलेटिव, यू रिलेटिव इज 3000 मीटर्स पर सेकेंड, डीएम बाय डीटी इज 30 माइनस 30 केजी पर सेकेंड। इनिशियल थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट वुड बी, इसे हम इधर ले आए, सो दिस वुड बिकम 9 into 10 to the power 4 kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन होता है माइनस 5000 इंटू 9.8 न्यूटन। दिस इज इनिशियल थ्रस्ट। नाउ दिस इज द नेट थ्रस्ट। थ्रस्ट ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस हम सिर्फ इतना सा लिखेंगे। थ्रस्ट ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस, ये तो थ्रस्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ गया। थ्रस्ट ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस से अटैप हो जाएगा 3000 इंटू 30 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। अब उनने जब पूछा है व्हाट इज इनिशियल एंड फाइनल एक्सीलरेशन, अब इनिशियल एक्सीलरेशन के लिए वंस अगेन यह इक्वेशन ही लगाऊंगा, डीवी बाय डीटी की जगह इनिशियल एक्सीलरेशन और मास इनिशियल रखूंगा, एक्सटर्नल फोर्स की जगह मैंने लिखा इनिशियली, इस इक्वेशन को लगा रहा हूं, इनिशियल मास इज माइनस 5000 इंटू 9.8, मास की जगह फिर वापस 5000 इंटू डी बाय डी टी की जगह इनिशियल एक्सीलरेशन प्लस यू रिलेटिव की जगह 3000 और डीएम बाय डीटी की जगह माइनस 30। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वुड गिव मी द नेट इनिशियल एक्सीलरेशन। अब फाइनली इससे मुझको इनिशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो। देन फाइनली इसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज फाइनल एक्सीलरेशन, फाइनली क्या होगा जरा देखो। उन्हें दे रखा है मास ऑफ फ्यूल इज 3500 केजी, इनिशियल मास 5000 केजी है रॉकेट का, मगर उसमें फ्यूल का मास 3500 केजी है, तो फाइनली ये सारा फ्यूल बाहर निकल जाएगा और ये सारा फ्यूल एक्सपेल हो जाने के बाद में फाइनली जो रॉकेट का मास रह जाएगा वह 5000 माइनस 3500 1500 रह जाएगा। तो फाइनली मैं लिखूंगा, फाइनली भी यही क्वेश्चन लगाऊंगा, मगर एक्सटर्नल फोर्स अब हो जाएगा माइनस 1500 इंटू 9.8, फाइनली मास 1500 इंटू फाइनल एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन मुझे निकालना प्लस एग्जॉस्ट गैस तो अभी भी 3000 मीटर पर सेकेंड से एग्जॉस्ट हो रही है और रेट भी वही का वही है। दिस सॉल्विंग दिस वुड गिव मी द फाइनल एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट। लर्न हाउ वी हैड यूज्ड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का इस्तेमाल आपको सीखना है। दिस इज नेट थ्रस्ट, ओवरऑल थ्रस्ट डेवलप्ड ओवर द रॉकेट ड्यू टू मास वेरिएशन एज वेल एज ग्रेविटी। इधर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं इट्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास एग्जॉस्ट। एंड थ्रस्ट ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस जो मिल रहा है दैट इज दिस दिस टर्म। जो रॉकेट है उस पर दो तरह का असर है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड और जो एक मास नीचे की तरफ लिखा रहा है उसकी वजह से थ्रस्ट अपवर्ड। तो अपवर्ड थ्रस्ट एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से इतना है और डाउन
डाउनवर्ड थ्रस्ट ग्रेविटी की वजह से इतना है, तो नेट थ्रस्ट रॉकेट पर इतना है इनिशियली, और दिस थ्रस्ट ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस जो उन्होंने पार्ट ए में पूछ रखा है, पार्ट ए में उन्होंने यह बात पूछी है, फिर पार्ट बी में उन्होंने यह बात पूछी है कि इनिशियली उस रॉकेट का एक्सीलरेशन क्या होगा और फाइनली उस रॉकेट का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इनिशियली रॉकेट का एक्सीलरेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन की पर इनिशियल कंडीशन लगाई और फाइनली रॉकेट का एक्सीलरेशन निकालने के लिए इसी इक्वेशन पर फाइनल कंडीशन लगा दी। फाइनल कंडीशन में हमें यह बात सोचना है कि रॉकेट का इनिशियल मास 5000 केजी है, रॉकेट के अंदर 3500 केजी फ्यूल है, फाइनली ये सारा फ्यूल निकल के बाहर हो जाएगा, रॉकेट से बिल्कुल बाहर हो जाने की वजह से रॉकेट से इतना मास कम हो जाएगा और फाइनली रॉकेट का मास जो बचेगा वह 1500 केजी बचेगा। डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, इसको हम डीएम बाय डीटी भी कह सकते थे, इसके आगे माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि मास कम हो रहा है, मास धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो माइनस 30 केजी पर सेकेंड। यदि रॉकेट का मास बढ़ता तो इसको हम प्लस 30 केजी पर सेकेंड, मगर रॉकेट का मास कभी बढ़ता नहीं, कम होता है। यू रिलेटिव, जो रिलेटिव वेलोसिटी उन्होंने दी हुई है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हमने यूनिट चेंज इसका जरूर करा, किलोमीटर पर सेकेंड इज नॉट एप्रोप्रिएट यूनिट टू वर्क विद, द एप्रोप्रिएट यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, हमने उसको मीटर पर सेकेंड कर लिया। और दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को हमने इस तरह से जनरलाइज तरीके से लिखा है और मास डिक्रीजिंग सिस्टम में हमने इस तरह से लिखा जब मास डिक्रीज हो रहा होता है। रॉकेट के लिए हमने ये इक्वेशन फाइनली डिराइव करी। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ यही फर्क देखेंगे कि इधर जो वेलोसिटी दिख रही है इसकी जगह पर हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं हमेशा, जिस रिलेटिव वेलोसिटी से डीएम बाय डीटी बाहर निकलता है वह रिलेटिव वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन एट द प्रॉब्लम।